हे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और फाइनली आ चुका हूँ एक बहुत ज्यादा प्यारा और नॉलेजेबल वीडियो लेके, जो कि हर एक नए क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अपनी जो कोशिश रहती है हर एक दिन पहले से बेटर बनने की रहती है। जो लोग अपने साथ जुड़े हैं, जो अपने को वॉच करते हैं, मतलब जो एक यूट्यूब फैमिली हमारी बनी हुई है, मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर ग्रो करें, एक साथ ग्रो करें। अगर मेरा चैनल ग्रो कर रहा है किस तरह से मैंने शुरू से किया, मुझे पता है कि सारी चीजें स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती हैं। और स्टार्टिंग में जब एक बार जो अपना चैनल है स्टार्टअप हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें होती रहती है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला फेस है वही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब वीडियोस बनाते रहना लेकिन व्यूज वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। और जो पैसे की प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है अपने इंडिया में। क्योंकि पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते भागते ही निकल जाती है। मतलब हर एक चीज के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, कुछ भी चीज परचेज करनी होती है। और मुझे पता है आप लोगों का, सभी लोगों का ड्रीम होगा कि यूट्यूब पे हम आए, अपना नाम बनाए, लोग हमारे रिस्पेक्ट करें और हम एक अच्छा सेटअप यूट्यूब पे बिल्ड कर सकें और वहां से फाइनेंशियली फ्री हो सकें। ये मुझे पता है आप सभी का गोल होगा और अपना भी यही गोल था जब स्टार्टिंग से किया था। और काफी अच्छी सी चीजें ग्रो हो रही हैं धीरे धीरे, तो अपना तो यही रहता है। और मैंने प्रीवियस सारी चीजें भी बताई थी कि कोई सब्सक्राइबर परचेज करना चाहता है, वॉच टाइम परचेज करना चाहता है। लेकिन एक चीज मुझे भी पता है कि बहुत सारे बंदे हैं जो कि परचेज नहीं कर, मतलब परचेज करना चाहते हैं लेकिन बात जो है वही है, पैसे की बात है। कोई स्टूडेंट है, कोई दिहाड़ी लगाता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई बहुत सारी चीजें होती हैं यार। मुझे भी पता है क्योंकि मैं कोई ऐसा 30 मार खा नहीं हूँ, सच कहूँ मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मुझे भी पता है कि कितने हमारे पास पैसे होते हैं, 1000 रुपये के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि कोई देगा कि नहीं देगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं। तो जो बंदा पहली बात है कि जो बंदा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम परचेज करता है, उसका चैनल तो चलो इमीडिएटली 10-15 दिन में नॉर्मली मोनेटाइज हो जाता है, वो तो है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो किस तरह से कर सकता है। मेरे लिए एक बेस्ट चीज मैं हमेशा डेली अपने वीडियोस में करता हूँ, जिस बंदे का फर्स्ट कमेंट होता है उसको मैं एक वीडियो अपने कम्युनिटी टैब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। ये आप सभी को पता है जो बंदे अपने साथ जुड़े हुए हैं। और एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो कल जिस बंदे का फर्स्ट कमेंट था, उनके चैनल का नाम है P3King है, तो इनका एक वीडियो मैं कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट करूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जो नए क्रिएटर्स हैं यार उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। क्योंकि मुझे पता है हर एक वीडियो के ऊपर 300-400 व्यूज आते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करोगे, जस्ट उन बंदों का प्रॉफिट होगा, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। जो एक उम्मीद होती है ना यूट्यूब पे उनकी, वो बनी रहेगी कि हाँ यूट्यूब पे ग्रो होगा यार एक सब्सक्राइबर। जो मुझे पता है जो एक नया क्रिएटर होता है ना, जब उसका एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज उनको जाके थोड़ी सी खुशी दें, ताकि जब आपका नंबर आए, मतलब आप एक नए क्रिएटर हो, अभी आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियोस वॉच कर रहे हो, तो आप चैनल को बेल आइकन दबा देना, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, ताकि जो एक नए क्रिएटर है उसको हेल्प मिल सके। और आप भी, मुझे पता है एक नए क्रिएटर हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि आप होंगे एक नए क्रिएटर, तो आप भी जल्दी से जल्दी जो फर्स्ट कमेंट होता है उसकी मैं डेली प्रमोशन करता हूँ। ये चीज तो मैं कर ही सकता हूँ यार, जो चीज मेरे हाथ में है, जितना मैं कर सकता हूँ उस चीज के लिए हमेशा मैं आगे ही रहता हूँ। कई बंदों के मैंने 1000 व्यूज भी क्रॉस करवाए थे, फ्री चैनल गिव अवे भी किया था, बहुत सारी चीजें होती है। जितना अपने से बन पाता है मैं अपना वन ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और उनके लिए क्या चीज थी कि जिसके पास पैसे नहीं है और वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहता है, उनके लिए एक छोटी सी चीज मैं करना चाहता हूँ कि उनको एक बूस्टअप मिले उनके चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आपको पता है कि होम पेज पे मैंने पहले से ही एक बंदे का चैनल लगा के रखा है, अक्षय पुरोहित का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी मैंने उनसे पैसे वगैरह नहीं लिए हुए हैं। जस्ट वो डेली कमेंट करते हैं, उनके बहुत सारे कमेंट्स हो गए, तो मुझे लगा अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। और अक्षय के 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, जब मैंने उनका चैनल लगाया था आई थिंक 75 के आसपास थे। तो कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ अक्षय को, अक्षय के 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। क्योंकि जो अपने इधर यूट्यूब फैमिली देख रही है, मुझे कई सारे एक्टिव बंदे हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ करने का जुनून है इनके अंदर, करना है कुछ, और सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, इसी वजह से फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं यूट्यूब पे। एक महीना वीडियोज डालते हैं, 2 महीने डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मतलब वो चीज एक सही लैब में नहीं चल पाती है। तो जो भी आज एक कमेंट होगा, कोई भी रैंडम कमेंट मैं पिक करूंगा, जिसका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब उस बंदे को जरूरत है, और उस बंदे के चैनल को हम अपने होम पेज पे लगाएंगे। और होम पेज पे चैनल लगाने के बाद सभी बंदे, मैं दिल से कहता हूँ कि उनके चैनल पे जाके पूरा प्यार दिखाना जब भी वो डेली वीडियोस पोस्ट करें। क्योंकि मैं उस बंदे को पिक करूंगा जो बंदे अपना खुद का कंटेंट डालता हो। क्योंकि बहुत सारे जितने भी बंदों को मैं फर्स्ट कमेंट की प्रमोशन करता हूँ ना, मैक्सिमम सभी का कंटेंट उन्होंने रीयूज किया होता है, मतलब किसी दूसरे की वीडियोज डालते हैं, खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि हम अपनी शक्ल दिखाएंगे तो हमें व्यूज आ सकते हैं। तो मैं वही चैनल पिक करूंगा जो बंदा खुद रेगुलर वीडियोज डालता हो, मतलब एक कंसिस्टेंसी में वीडियोज डाल रहा हो। क्योंकि
मैं उसी बंदे को आगे ग्रो करने की कोशिश करूंगा, मतलब उसी बंदे को मैं आगे लेके चलूंगा जो बंदा कंसिस्टेंट हो, फोकस्ड हो अपने गोल के लिए, क्योंकि ऐसे बंदे का मैं पर वहां से चैनल पे कर लूंगा जो कि बंदा डेली वीडियोस ना डालता हो, किसी दूसरे का कंटेंट डालता हो, वहां पे फिर उस चीज का फायदा नहीं है ना यार। क्योंकि अगर कोई चीज करनी है तो अच्छे सही तरीके से हो और उस बंदे को भी हेल्प मिले। तो जो भी आज जिस बंदे का मुझे अच्छा कमेंट लगेगा, कल मैं वीडियो में बता दूंगा कि बंदा कौन है और उसके चैनल को मैं अपने होम पेज पे लगाऊंगा। और उसके जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तब तक बंदे के चैनल को वहीं रखेंगे और पूरा सभी बंदे सपोर्ट करेंगे, उस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जब वो वीडियोस अपलोड करे तो उनकी वीडियोस पे जाके हम पूरा प्यार दिखाएंगे। मैं खुद उनकी वीडियोस वॉच करूंगा क्योंकि एक वीडियो वॉच करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-4 मिनट का होता है वीडियोस, तो उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है जो एक बंदा है। तो ऑल ओवर जितने भी दोस्तों ये चीजें रहने वाली है इसी तरह से रहने वाली है, क्योंकि अपने चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस अपलोड हम करते रहेंगे, इसी तरह से हर एक दिन बेटर बनते रहेंगे। और क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे क्रिएटर्स को हीरो मानते हो ना यार, जिनको कुछ नहीं करते वो, जस्ट आप कभी देखना जो एक क्रिएटर होता है, एक सच बोलूं क्रिएटर का मतलब है क्या है, मतलब कुछ क्रिएट करना, वो क्रिएट नहीं करते, वो कॉपी कैट करते हैं। मतलब किसी जस्ट उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब मैं क्या कहूँ, उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं यार। आप उनके ऊपर भरोसा करके अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, आप खुद समझना। कुछ यूट्यूबर्स के टेक कैटेगरी में हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ के लाख भी हैं, लेकिन कभी आपने एक चीज नोटिस की, कभी उनका कभी टाइटल, उनका थंबनेल कभी यूनिक होता है? मतलब उनका खुद क्रिएट किया होता है क्या? नहीं, मतलब जस्ट वो किसी को कॉपी करते हैं, जैसे एक क्रिएटर का वीडियो डाला उसके ऊपर 2-3 लाख व्यूज आ गए, जस्ट वो सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम थंबनेल, हर एक चीज का कॉपी करके वहां पे वो चीजें करते हैं। तो दोस्तों आपने बस ये चीज समझनी है कि कौन सा क्रिएटर है जो कि अपना खुद का कंटेंट डाल रहा है और कौन कॉपी कैट कर रहा है जस्ट लाइक अ व्यूज। तो ये चीजें आपने खुद समझनी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज फिर जंग छिड़ जाती है और अपना काम ऐसा जरा भी नहीं है। अपना जो मेन मोटिव है वो वही है कि हमने चैनल ग्रो करना है, खुद मैं ग्रो करूंगा और साथ में आप सभी को भी लेके चलूंगा, और मुझे पता है जो हमारा एक ड्रीम है 1 मिलियन यूट्यूब फैमिली का, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। और जो भी हमारा रिसेंट गोल है वो है 6300 सब्सक्राइबर्स करने हैं हमने, तो आज की तारीख है, आज 19 मार्च है, तो हमें 22 मार्च से पहले हमें अपने 6300 सब्सक्राइबर्स करने हैं। इतनी सी आप चीज कर ही सकते हो यार, क्योंकि मैं ग्रो करूंगा आप साथ में ग्रो करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चेन होती है, जैसे मान लीजिए हम, मैं किसी बंदे का होम पेज पे चैनल लगाऊंगा, उस बंदे के 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल से कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि किसी दूसरे बंदे का नंबर आएगा तो उसके लिए टाइम लगेगा। देखो जैसे दोस्त उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो बंदा अपने चैनल के ऊपर भी दूसरे बंदे का चैनल लगाएगा, तो उसकी तरह एक चेन बनती रहेगी और धीरे धीरे जितने भी ड्रीम जिन बंदों के हैं सभी की हेल्प मिलेगी उनके चैनल को ग्रो करने के लिए। तो ऑल ओवर सारे वीडियो का सार यही था, और आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके जो भी यूट्यूब पे ड्रीम है आपके वो सभी के अचीव हो, और कुछ भी क्वेरी वगैरह हो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछो, हम अपनी तरफ से हर एक फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं और करते भी हैं। जैसे गूगल एड्स कोर्स मैंने खुद का बनाया है, मतलब आप गूगल एड्स में पैसे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक सही तरीके से जानो सारी चीजों को, देन उस पर पैसे इन्वेस्ट करो। अगर सब्सक्राइबर परचेज कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, अगर नहीं करते तो अपनी तरफ से आपको पता है हमेशा वन ऑफ द बेस्ट चीजें लाता रहता हूं जिससे आप बेटर बने और ग्रो करें यूट्यूब पे। और वॉच टाइम का भी सारा सिस्टम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना, क्योंकि लाइक डिसलाइक से कुछ भी नहीं होता है, सच्ची से एक बात कहूं, बस मुझे एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता दोस्त कि सभी का कमेंट मैं वॉच कर सकूं, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है आप सभी को पता है, जब काम करना है तो ये चीजें थोड़ा सा नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कभी भी वॉच करते हैं तो अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अच्छी चीज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो फाइनली दिल से यही कहना चाहता हूं, बिलीव इन योर ड्रीम्स, कीप लविंग, मैम जी।